हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी गुड्स और GOZ वर्सेस MSW T10 मैच होने जा रहा है, तो चलिए इसमें इंपोर्टेंट प्लेयर का हम चुनाव करते हैं। पहले ड्रीम इलेवन ऐप्स को खोलते हैं और यहां पर देखते हैं कि अभी जो गेम होने वाला है वर्सेस MSW वर्सेस GOZ, यहां पर हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन कौन है। तो सबसे पहले टीम क्रिएटर में आते हैं और टीम क्रिएट करते हैं। अकील प्योटिन ये कुछ खास नहीं किए हैं और 24 पॉइंट दिए हैं और एक बार 4 पॉइंट दिए हैं, तो ये कुछ खास प्लेयर नहीं है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एस राज, और वाकई कमाल का प्लेयर है क्योंकि लगातार कंटिन्यू जो है और ये अच्छे करते आ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 29, 69, 58, 15 ये सब जो है, और वो भी डी टी के साथ में। डी टी मतलब समझ रहे होंगे कि विनिंग जोन में है और इस प्लेयर को सिलेक्शन करना चाहिए और ज़रूरी भी है, तो चलिए हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। आर दानिश इस प्लेयर का भी देखते हैं कि कमाल का प्लेयर्स है क्योंकि कई बार अच्छे रन से दे चुके हैं और डी टी में आ चुके हैं, तो इनको भी हम सिलेक्शन करते हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे डी कुमार, ये तो डी कुमार का भी स्टेटस हम देख लेते हैं। ये लगातार 100 बहुत ही बेहतर प्लेयर है, ये जो है 38 के एवरेज से खेलते हैं और 68, उसके बाद में 13, 123 ये वाला जो है बहुत बड़ी पारी है, इसमें बैटिंग का ही पारी है। तो देखते हैं, ये जो है बॉलिंग नहीं करते हैं, बैटिंग ही करते हैं, बैटिंग से जो है अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, तो डी कुमार को हम रखेंगे। उसके बाद में आई प्रेरा को हम देखते हैं, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये जो है चौथे नंबर पर आते हैं प्लेइंग करने के लिए, तो ये खास नहीं है कुछ, तो इनको सिलेक्शन नहीं करना है। आगे हम चलते देखते हैं, ये सब 13.12 है, 24, 26 ये सब अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। और डी पटनाकर ये भी जो है 14 है, इनका भी देखते हैं डिटेल, कुछ खास प्लेयर नहीं है इसलिए इनको भी सिलेक्शन मैं नहीं करूँगा। और चलते हैं जी दत्ता, ये भी कुछ खास नहीं है, तो अच्छे प्लेयर्स का हमको सिलेक्शन करना है। टॉनी लोइस एक अच्छा प्लेयर है और जिसको हम देख रहे हैं लगातार अच्छे रन बना रहे हैं, 76 है, 35 है, 17 है, 13 है, 67 है, तो इस खिलाड़ी को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है बॉलिंग भी करते हैं, ए सोमन इसको भी सिलेक्शन करते हैं। आर ओटुला ये जो है कुछ खास नहीं दिख रहा है क्योंकि मात्र 34 है और 11 के एवरेज से खेलना पसंद करते हैं, तो ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं वी वसंत नेट, ये भी अच्छा नहीं और कुछ खास नहीं है इनका, और ये प्लेयर जो है लग रहा है कि अच्छा ये कि गेम खेले हैं और 36 पॉइंट दिए, यानी एवरेज 36 का है, यानी कि इनको सिलेक्शन करेंगे कि सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है एस रॉय, देख रहे हैं जैसा कि इनका जो पोजीशन है 309 पॉइंट है और एक काफ़ी अच्छे पॉइंट है, एस रॉय है 127 है, ये भी अच्छे हैं। इनका डिटेल देखते हैं, ये जो है 51 के एवरेज से खेलते हैं और बहुत ही लाजवाब एवरेज है इनका, देख रहे 53, 12, 46, 44, 76, 78 मतलब लगातार जो है विनिंग जोन में है, तो इनका सिलेक्शन एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है। एसुराय की बात करते हैं, इनको भी देख रहे हैं लगातार 2 बार अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और बाकी 2 बार सही नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देख रहे होंगे कि आप बॉलिंग से यहाँ पर 72 यानी कि 2 विकेट ले चुके हैं 2 ओवर में, तो काफ़ी अच्छा इनका है, तो इनको भी हम सिलेक्शन करेंगे। और टी थॉमस ये तो लाजवाब है भाई, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बार मैच खेले, 4 बार में 3 बार 35-35 और 109 पॉइंट दिए, तो इनका भी सिलेक्शन बन जाता है। उसके बाद में आते हैं एम रफीकू, इनका देखते हैं कि 123 पॉइंट है और इनका देखते हैं डिटेल, इनका जो एवरेज है ये 30 के एवरेज से खेलना पसंद करते हैं और 68 37 2 बार अच्छा खेले, 2 बार ठीक ठाक नहीं खेले, तो इनका देखते हैं जो क्या किए हैं, चलिए 2 बार विकेट नहीं मिला है, एक बॉलर है, तो इनका भी बन जाता है। उसके बाद में देखते हैं बी बेबी, ये कुछ खास नहीं, एक बार खेले हैं और 28 रखे हैं, 18 पॉइंट है इनका, बी बेबी यानी एक बार खेले हैं, 18 का जो एवरेज है इनका और एक ही बार में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, एवरेज खिलाड़ी है, कोई खास नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो गेम का जो सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो है हमारे लिए कौन कौन है। सबसे पहले चले यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आ रहे हैं, तो एस राज है, विकेट कीपिंग सेक्शन में चलते हैं एस राज और आर डेनिस, यह 2 खिलाड़ी है जो काफी अच्छे हैं। और उसके बाद चलते हैं बैटिंग सेक्शन में,
अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, देखते हैं बैटिंग सेक्शन में सबसे बेटर कौन कौन है। तो यहाँ पर डी कुमार को मैंने सेलेक्ट किया है, ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके बाद में आई पेट्रा उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जेकब से ये भी उतना अच्छा नहीं, बाकी का देख रहे हैं जैसा कि कुछ खास नहीं है किसी का। कोई जी दत्ता एक भाई ये ओपनिंग करने आते हैं, अगर आप इनको रखना चाहें तो रख सकते हैं, बिकॉज ये ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाज है, तो आप अगर चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो चलिए देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं, खास कुछ है नहीं। बी बसनेट ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन 59 पॉइंट रखे हैं अभी तक, तो चलिए हम देखते हैं इनको लगाते हैं और हम अपना टीम देखते हैं। देखिए हमारे जो टीम है इस तरह से बनकर तैयार हो गए, और हम अपना जो कैप्टनशिप जो है वह किसको देंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओपनिंग है, क्योंकि T10 में ओपनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एस रॉय एक बॉलर है और जो है एस जॉय और यह जो है काफी ओपनिंग बल्लेबाज है, बॉलर बॉलिंग भी करते हैं और ओपनिंग में आते हैं, सबसे पहले ओपनिंग करते हैं एस जॉय, तो इनको मैं कैप्टनशिप दे रहा हूँ। और दूसरी है कि आप डैनिश या जो है ओपनिंग करने आते हैं फिर तो इन्हीं को दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो है डी पटनाकर जो है उतना अच्छा है नहीं खिलाड़ी। तो चलिए हम ये टीम क्रिएट कर लिए, ये मेरा टीम जो है बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से जो है ओपनिंग करते हैं, जो T10 में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ओपनर बल्लेबाज। तो ओपनर बल्लेबाज की मैं बात करूंगा सबसे पहले कि आप देख रहे हैं आर डेनिस जो है ये जो है ओपनिंग करने आते हैं, और एस जॉय जो है ओपनिंग करने के लिए आते हैं, एस जॉय ये जो है ओपनर बल्लेबाज है MSW की तरफ से, और उसके बाद में GOZ की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन है, तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं आप लोगों को कि सबसे पहले आते हैं जी पटनाकर एक ए है, और एक हो जाते हैं आपका जी दत्ता, ये जो है ये दो बल्लेबाज है जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं GOZ की तरफ से, और दो जो है एक ए है और एक जो है एस जो है बॉलर है जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आपको देखना है इसमें बेहतर कौन है, और इसी अनुसार से यदि आप अपना टीम सेट कर रहे हैं तो एक बार आप लोग जरूर है कि तो अगर ड्रीम 11 टीम अगर आप सेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर से पॉसिबल 11 को आप जरूर जाइए, और पॉसिबल 11 ऐप से आप सिस्टमेटिक ढंग से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ चुका है कि GOZ वर्सेस MSW, और यहाँ पर हम क्लिक करके और यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो रैंकिंग वाइज, जैसे कि डी पटनाकर जो है एक रैंक में, दो में जो है गौतम दत्ता है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एस जॉय है और आर डेनिस है जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। प्ले सिस्टमेटिक है, इसको आप जरूर एक बार स्टडी करें, इससे आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा और बेहतर टीम बन करके आएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।